Hello. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक न्यू गेम में जो गेम प्ले होने जा रहा है पबजी मोबाइल लाइट का। हाँ जी पबजी मोबाइल लाइट, और मैं और मेरा फ्रेंड हम सीधे से इंटर रोड के लिए जाते हैं, क्योंकि दो रैंडम प्लेयर होते हैं जो पहले उतर जाते हैं और हम दो लोग सेंटर रोड में कूदते हैं। और सेंटर रोड में कूद के सीधा हम झपटते हैं गन पे। यहाँ पर कोई और उतरे नहीं थे, इसलिए हम आसानी से यहाँ पर लूट सकते थे और आसानी से लूटने हैं। और सीधे हम जाते हैं और UMP 9 मिलती है, जिसमें अभी भी 9 NM की बुलेट लगती हैं, बुलेट या एमओ। अब मेरा फ्रेंड भी इसी घर में था, इसलिए मैंने सोचा मैं सीधा दूसरे घर में जाता हूँ, इसको पूरा आज़ादी से इसको लूट ले, क्योंकि यहाँ कोई और है नहीं। और ऐसा ही होता है, मैं दूसरे घर में जाता हूँ, आराम से दूसरे घर में भी लूटता हूँ। ड्रिंक उठाया, रेड डॉट उठाया, हॉरिजॉन्टल लगाकर मैं अक्सर खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ UG मिल गई है, और मैं फ्रेंड से कहता हूँ अगर कोई गन वगैरह ना मिली हो तो इधर आ जाओ, इधर ले लो आके, तो उसको कहता नहीं मुझे मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक और UMP 9 पड़ी है सामने, और मैं UMP 9 की सारी बुलेट ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें मोबाइल लाइट में तो ज़्यादा ही बुलेट लगती हैं, और तभी मुझे गोलियों की आवाज़ आती है और मैं उधर कूद जाता हूँ जाने के लिए। पर पता नहीं कहाँ से गोलियाँ चल रही, मुझे बंदा दिखता नहीं है। मैं घर तक जाता हूँ तो फ्रेंड आवाज़ करता है कि इधर आओ, इधर बंदे आ गए हैं, तो मैं वापस लौट जाता हूँ। मेरे पास कोई बेट नहीं थी, मैं सोचता था मुझे कोई बेट मिल जाए, बट फर्स्ट लेवल के बेट मुझे यहाँ पर मिल जाती है। मैं उसे उठाता हूँ और सीधा उस बंदे पे रस करने सोचते हैं जो एक बोट था शायद सामने घर में था, और उसे आराम से और इससे मुझे मिलती है M4 जो मेरी फेवरेट गन है। M4 लेते हैं, और उधर बगल में ब्लड पड़ी है M4 की, उसको भी ले लेते हैं। मेरा फ्रेंड कहता है कि सामने बंदा है और वो उस पर गोले चलाता है, लेकिन देखो फिर क्या होता है, सामने वाले छत में बंदा था। हाँ, अब मैं समझ जाता बंदा की डर पर सीधा रश करता हूँ उस पर, लेकिन बंदा हमसे ज़्यादा ही फुर्तीला था शायद। और वो सीधा यहाँ से भाग जाता है। Enemies ahead. वो बंदा मुझे दिख जाता है हल्का सा किस साइड है, और मैं सीधा उस पर रश करता हूँ। अब यहाँ देखना मेरी क्या किस्मत है, हम रेड जोन में लड़ रहे हैं और देखो फिर क्या होता है। तभी गोलियों के पहाड़ के ऊपर से गोलियों की आवाज़ आती है, मेरा फ्रेंड और मैं दोनों लोग रस करते हैं, और तभी मेरा ड्रोन एकदम मेरे साथ क्या करता है। तो ये देखो मेरी किस्मत इतनी ख़राब रहती है कि जब जब मैं खेलता हूँ तो रेड जोन जरूर जरूर गिरता है। और फ्रेंड मुझे रिवाइव देता है, और वहाँ पर आगे दो स्क्वाड लड़ रही थी, और वहाँ फ्रेंड अकेले लड़ने पहुँच जाता है उसके साथ, देखो फिर क्या होता है। मैं अपने हील कर रहा था अपने आप को पूरी तरीके से,
इसे बिजी था, फ्रेंड वेट नहीं कर सका और पहुंच गया। मुझे पीछे से आवाज़ आई, इसलिए मैं मेरे घर में बंदर दिखा नहीं और मेरे फ्रेंड नॉक हो जाता है। अब मुझे लोकेशन पता चल गया जब बंदे की तरह, तो मैं देख रहा हूँ बंदे बहुत शॉट दे रहे हैं, वो नॉक नहीं हो रहा। बंदे के भाई पास ही दिखा, चलो उसको फेंकते हैं। पहले उसको नॉक किया, उसको फिर मैं उससे गोली पड़ने लगी, तो मैंने सोचा पहले रिवाइव दिया जाने, मैं अगर मर गया तो फिर दोनों लोग मरेंगे साथ में, इसलिए मैंने सोचा पहले। तभी एक स्क्वाड आ जाती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं, ऐसे हमको पूरा मौका मिल जाता है और उनको फिनिश करने का। तो देखो किस प्रकार फिनिश करते हैं, सही से फिनिश करते हैं तो एक लैग तो बनता है। और उन सबको फिनिश करने के बाद हील करते हैं अपने आप को। अब बंदे बच रहे थे 18, अभी हमारे चारों लोग जिंदा थे, मतलब बंदे 14 थे। और इनको अच्छे से लूटते हैं, फिर रेड जोन हमारे ऊपर बना। ये रेड जोन हमारा आखिरी तक पीछा करता था। और फ्रेंड कहता चलो यहाँ चलते हैं, तो हम चलने के लिए सोचते हैं, बट हमने सोचा रेड जोन में अगर गाड़ी में गिरा बम तो दोनों लोग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा अलग अलग चलते हैं और मैं सीधा बग्गी लेता हूँ। फिर यहाँ से देखो क्या होता है, मुझे गोलियों के बाद दूसरा सारे थे, फ्रेंड दूसरा चला जाता है। और हम लोग थर्ड हिल पर आवाज़ आ रही थी, मैं थर्ड हिल पहुँच जाता हूँ। हम गाड़ी रोक देता हूँ, गाड़ी की आवाज़ बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, बंदे तक सचेत हो जाएंगे, लिए मैं सोचता हूँ बिना गाड़ी ढूंढता हूँ। और लेकिन यहाँ कोई बंदे मुझे मिलते नहीं हैं, और तभी फ्रेंड आवाज़ करता है इधर उधर बंदे हैं, और मैं फ्रेंड की तरफ बढ़ जाता हूँ। जो दो लोगों से पंगा ले रहा था अकेले, पंगा ये पंगा मतलब लड़ रहा था दो लोगों से दोनों में से। वो शायद स्टेडियम साइड बंदे थे, दूर थे, अब यहाँ से दिखे नहीं। और फिर जो क्या हुआ, मैंने पूछा कहाँ हैं बंदे, तो उसने तो मैंने कहा यहाँ से तो ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ घर में छुपे हैं और यहाँ से पड़ेगा नहीं सही, वो गाड़ी लेकर चलते हैं। तो कहा ठीक है, फिर हम गाड़ी से जाते हैं और फिर यही तो बड़ी घटना हो जाती है, दुर्घटना। फ्रेंड कह रहा दो बंदे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक ही दिखा और उसे आराम से नॉक कर दिया।
तभी मैं हमारे रैंडम प्लेयर पे के साथ क्या हुआ उसने देखो ओ नॉक हो गया था हमारा रैंडम प्लेयर एक तो हमने कहा चलो उसने उन्हें बचाते हैं चल के और फिर वो दूसरा भी नॉक हो गया तो हमने कहा जल्दी चलो कुछ गड़बड़ ना हो जाए लेकिन देखो फिर क्या होता है हमारे रैंडम प्लेयर दोनों आउट ऑफ लाइफ बॉक्स में तब्दील हो गए थे और वो आराम से लूट रहे थे उन्होंने गलती क्या करी स्मोक करके अपनी लोकेशन दे दी हम तो ढूंढते ही रहे थे और लोकेशन पता चली नहीं कि हम बस कूद गए फिर आगे देखो क्या होता है मेरा फ्रेंड ड्रग लूटने चला गया था हमने कहा घर में देखने घर में तो कोई बंदे नहीं है फिर देखो दोनों पकड़ लिया और फिर उन्हें आराम से लूटा जिसमें हमको AWM मिली और बंदा बच रहा था सिर्फ एक और हम थे दो लोग जिनमें हमको बहुत अच्छी खासी लूट मिली स्कोप का भंडार था पता नहीं क्या कर रहा है इतने स्कोप लेकर हमने लोग घर में देखकर बंदे लोकेशन चेक करते सब दिख जाए लेकिन यहाँ से बंदा दिख नहीं रहा था वो ड्रॉप लूटा जाए वेस्ट वगैरह और हेलमेट वगैरह थर्ड लेवल को हो जाएगा तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे और फिर इसके बाद बंदे ढूंढते हैं मैं प्रोन होकर खेल नहीं पाता इसलिए मैं सीधा खड़े खड़े खेलता हूँ दौड़ते दौड़ते जो बंदा मुझे दिखा नहीं था फ्रेंड पे गोलियाँ चली और फ्रेंड ने बता दिया बंदा किधर है और फिर देखो क्या होता है ये फ्रेंड का नॉक हो गया था अब बंदा मुझे दिख गया था यहाँ से स्पॉट हो गया किधर है और उसे आराम से निपटा दिया और हाँ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि ऐसे ही वीडियो बनाएं थैंक यू भाइयों